सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग संज्ञा पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो पहले परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के पांच भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन आपको कक्षा तीन में सिर्फ तीन ही संज्ञा पढ़नी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, आप यहाँ कुछ चित्र देख रहे हैं। पहले चित्र में चिंटू और मिंटू दो भाई हैं। दूसरा, गंगा घाट का जल लेकर आओ। तीसरे में, मुझे गुलाब के फूल की सुगंध अच्छी लगती है। और चौथा, आओ सूर्य की पूजा करें। इन वाक्यों में काले मोटे शब्दों चिंटू मिंटू, गंगा घाट, गुलाब, सूर्य से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की जानकारी प्राप्त हो रही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब आप इन वाक्यों को पढ़िए। लड़के खेल रहे हैं, ये फूल बहुत सुंदर हैं। ग्वाला गाय का दूध निकाल रहा है। वर्षा से पेड़ हरे भरे हो गए हैं और पर्वतों पर चढ़ना सरल काम नहीं है। इन वाक्यों में मोटे छपे शब्दों जैसे लड़के, फूल, गाय, पेड़ और पर्वतों से किसी विशेष जाति, समूह, वर्ग या श्रेणी के बारे में पता चल रहा है, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। आज बहुत गर्मी है, काम करवा कर बच्चों का बचपन मत छीनो। क्या सफ़ेद बाल बुढ़ापे की निशानी है? ताजमहल की सुंदरता विश्व भर में प्रसिद्ध है, वह बीमारी के कारण कमजोर हो गया। इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द गर्मी, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, बीमारी आदि भाव स्पष्ट कर रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं मूल रूप से भाव से जुड़ी होती हैं, अर्थात ये भाव को प्रकट कर रही है। जैसे बचपन दिखाई नहीं देता है पर भाव है, इसी तरह माँ की ममता महसूस कर सकते हैं पर दिखाई नहीं देती आदि। कुछ संज्ञा शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सत्य, दया, दुख, सुख आदि। कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, जैसे शब्द है मनुष्य, भाववाचक संज्ञा होगा मनुष्यता। लाल, लालिमा। हरा, हरियाली। पीला, पीलापन। गरम, गर्मी। भला, भलाई। शत्रु, शत्रुता। मित्र, मित्रता। बुरा, बुराई। वीर, वीरता। अभ्यास कार्य प्रश्न एक, संज्ञा शब्दों के आगे सही का निशान लगाएं। क, फल शब्द संज्ञा है। ख, पुस्तक शब्द संज्ञा है। ग, पेड़। घ में मिठास, पुस्तक और सेना तीनों ही संज्ञा शब्द हैं। बच्चों, आप प्रश्न संख्या दो और प्रश्न संख्या तीन स्वयं करोगे। प्रश्न दो में है, संज्ञा शब्द पहचान कर चुने। तो इसमें से जो जो संज्ञा शब्द है उसको संज्ञा शब्द है कॉलम में भरोगे और जो संज्ञा शब्द नहीं है उस कॉलम में लिखोगे। प्रश्न तीन में उसी प्रकार दो दो उदाहरण लिखना है, दो शहरों के नाम, दो सब्जियों के नाम, दो इमारतों के नाम और दो नदियों के नाम। ये मैं पहले भी करा चुकी हैं, अब आप अपनी पुस्तक में फिर से करोगे। प्रश्न चार, शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखे। सुंदर, सुंदरता। हरा,
हरियाली, पीला, पीलापन, अच्छा, अच्छाई। प्रश्न 5, उचित संज्ञा शब्दों से वाक्य पूरे करें। क, हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। ख, शेर जंगल का राजा है। ग, वर्षा के कारण पेड़ों पर हरियाली छा गई। घ, माली गुलाब के पौधों में पानी दे रहा है। अंग, कोयल के स्वर में मिठास होती है। च, हम सुबह गर्म चाय पीते हैं। धन्यवाद।